दोस्तों नमस्ते, राम राम, प्रणाम। और इस वक्त शाम के बज रहे हैं 7 और अभी घूम रहे हैं हम स्टेशन पे। जैसे कि कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आ गए थे। नूरतन और संजय बैठे हुए हैं उधर और रेखा को लगी प्यास अभी बहुत तेज, क्योंकि पानी पीते पीते परेशान है भाई। यहाँ प्यास भी नहीं गुजरी, ये मेन बात है ना, अगर जहाँ पानी नहीं रहता ना वहाँ प्यास बहुत लगती है। घर पर बाल्टी भर के रखी प्यास नहीं लग सकती, और यहाँ पानी नहीं है भाई, प्यास इतनी लग रही, प्यास बुझ नहीं रहती भाई। बोतल लेके जा रहे हैं और मुझे लगता है 70-80 रुपये का पानी पी लिया लगभग, और फिर लेने जा रहे हैं और वहाँ पी भी लेंगे और बोतल भी भर लेंगे। और हम थोड़ी देर पहले कल वाले ब्लॉग में आपने देखा यहाँ पे बैठे थे, यहाँ से खाली कर दी गई, यहाँ सामने बाथरूम तो भीड़ वगैरह ज़्यादा हो जाती और बदबू भी आती थी इसी वजह से, तो अंदर चले गए हैं टिकट आरक्षण के पास, वहाँ पर दिखाऊँगा अभी जाएँगे वापस। और फिलहाल चलते हैं पानी लेने के लिए। देखो इधर कितनी सारे पब्लिक, और अभी हम लोग जा रहे थे पानी के लिए। लेखा को प्यास लगी हुई बहुत तेज, बेचारी परेशान है पानी पीने के लिए। पिज़्ज़ा खाओगे इधर, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा शोरूम है। नहीं जी, ये देखो हमारी चप्पल। तुम्हारे पैर में तो छाले हो गए, रेखा के पैर में छोटी वाली आंगली में ना छाले पड़ गए हैं और चला भी नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से चल रही है। आ गए हैं, हाँ तो गए जी यहाँ से भरवा लेते पानी, क्योंकि प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। 10 रुपये का पानी देख देना था, भर गया भैया, एक लीटर पानी आ गया 10 रुपये का। लो भैया है, पिलो ये और भरवा लेंगे, फिर गिलास वाला पियोगे। ये लो भैया। तो गाइस यहाँ पे ना भरपेट पानी पी ले रहे हैं, क्योंकि आगे ना 15 रुपये का पानी जाए, यहाँ पे 10 रुपये का तो पानी मिल रहा है 1 लीटर के। आओ जी आओ, शुद्ध पानी पी लो। तुम पी ले बोतल में, पी ले रहे बोतल भर के। आओ जी आओ, शुद्ध पानी पी लो। आओ जी आओ, शुद्ध पानी पी लो। तो गाइस देखो पानी पी लिया और एक बोतल, 1 लीटर पानी इतना आता है, देखो कितना है मेरे अंगूठे तक, क्योंकि ये ठंडे की बोतल है, थोड़ी बड़ी भी है। पानी वाले बोतल होता तो शायद फुल भर जाता है ना। तो मैं कैसा लगा दिल्ली स्टेशन का पानी पीते हुए? पेट का मार रहा है, फिर जाते प्यास लगे है। क्योंकि जहाँ मोल चीज़ अगर मिलता है ना रुपये पैसे, वहाँ जल्दी पेट नहीं भरता भाई, वहाँ पैसे खर्च होने ही होने हैं। अगर फ्री का पानी पी लेना वहाँ, एक गिलास में पेट भर जाता है भाई जी। लग रहा है फूड ट्रैक, खाने पीने का सिस्टम यहाँ पे, कुछ खाना पीना होता बता दियो पे, जहाँ पे हम लोग को विश्राम करना है। वैसे मस्त लग रहा है रात का व्यू, अभी तो शाम ही है। तो गाइस ये है अपनी जगह, यहाँ पे रुकना है रात भर हमें। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 10, हाँ ना, और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, और खाना पीना खाया ये हो गया ना, जो हम लोग सब्ज़ी लाए थे ना, वो तो थोड़ी बहुत भिंडी की सब्ज़ी भुजिया बची हुई थी, और अभी चार लोग हो गए थे, तो चार लोगों की सब्ज़ी भी नहीं थी। तो अभी मैं गया दुकान से लाने के लिए सब्ज़ी लेकर आया, और साली की सब्ज़ी ख़राब निकल गई, 60 रुपये की सब्ज़ी लेकर आया ख़राब निकल गई वो, और वो सब्ज़ी लास्ट में हम फेंकने पड़े, पूरी सब्ज़ी फेंक दी। अरे हमारे पास अब पूरी थी और भिंडी की भुजिया और अचार जो बचा था वो जैसा, उससे हमने ले लिया सब्ज़ी, और वही लेके हम लोगों ने खाया पिया। हाँ तो यहीं पे आए हैं अभी डिलक्स शौचालय में, कुछ इमरजेंसी सेवा। तो वो गई रेखा अंदर, डिलक्स शौचालय है इमरजेंसी सेवा। वैसे साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है यहाँ पे, हम भी 2-3 बार जा चुके, कल वाले ब्लॉग में भी काफ़ी बार गए थे, और आज में भी अभी 3-4 बार जा ही चुके, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है। 10 रुपये लेते हैं लेडीज़ के, तो फिक्स 10 रुपये, और आदमी के 2 रेट है, 5 और 10, तो
समझ सकते हो आप लोग। और अभी यहाँ पे कुछ देर रेखा का इंतज़ार करते हैं। तो गाइस अभी का सीन ये है, रात के बज रहे हैं 12:54 यानी कि 1 बजने वाले हैं, और देखो सारे लोग कैसे सो रहे हैं अभी, और मैं बैठा हुआ हूँ, मैं निगरानी पे हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं बैठा हुआ हूँ, रेखा भी सो रही है, नूरतन भी, उधर संजय भी, सारे लोग सो रहे हैं। और यहाँ देख रहा हूँ मैं मम्मी की ट्रेन कब तक आएगी, सुबह 4:40 का टाइम दिखा रहा है, और फिर सुबह 4:40 का टाइम दिखा रहा है तो हम चलेंगे सुबह टाइम पर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर। बाकी मैं यहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ सुबह होने का, और सारे लोग सो रहे हैं जैसे अभी दिखाया मैंने, कितने सारे आदमी सो रहे हैं। बताया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अभी स्टेशन के बाहर है सारे लोग। नई दिल्ली स्टेशन का हाल है ये, भीड़। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज चुके हैं 3:05, और हम लोग अंदर से आ गए क्योंकि अंदर होने लगी अब सफाई, झाड़ू पोछा लगने लग गया, तो अब निकाल दिया गया सारे आदमियों को, लोग बैठे हुए धीरे धीरे निकल जाएंगे बाहर, और हम लोग निकल गए पहले ही कि बाहर थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, सारी लोग तो रात भर सोए हैं। पाँच पाँच मिनट सोई तो तुम्हें दिखाया भी हूँ, लोगों में दिखाया भी हूँ तुम्हें, फटकार के सोई मुँह खोल गया। इधर नूरतन खड़ा है और संजय गए अभी बाथरूम, और 4:40 पे मम्मी की ट्रेन आने वाली है, शायद 5 बजे देखते हैं। और अभी तो प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर भी नहीं खुला है, जो कि प्लेटफॉर्म टिकट लें अभी। तो गाइज अभी फ़िलहाल सुबह के बच्चों के 4:30, और मम्मी की स्टेशन पे ट्रेन आने वाली है, 2-3 स्टेशन पीछे है, और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। 4 सारे लोग बैठ गए, कहाँ कहाँ जगह चेंज करके देखो कितने आदमी सो रहे हैं। तो गाइस हम लोग चल दिए हैं स्टेशन की तरफ, प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया। तो गाइस फ़िलहाल लिफ्ट में चल गए और मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, नूरतन सबसे पीछे, और हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। 4:35 हो चुका है, अभी पूरा पूरा फ्लोर खाली पड़ा है, और इससे थोड़ी देर बाद अगर आज मम्मी की ट्रेन जब आती तब पूरा फुल हो जाएगा। ये देखो इधर भी पूरा खाली पड़ा है। फिलहाल हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए और प्लेटफॉर्म पे ही पहुंच गए जहां पे मम्मी की ट्रेन रुकने वाली है, और यहां पे दिखा रहा है B5 जो यहां पे लिखा हुआ है, यहीं पर डिब्बा आने वाला है मम्मी का बोगी, जहाँ से हम बैठ जा रहे हैं। तो बस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ ही देर में आने वाली है, टाइम कम्प्लीट हो चुका है। ये रहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो गाइस फिलहाल मम्मी की ट्रेन आ चुकी है, सामने देख रहे हो। बिल्कुल धीरे धीरे लाता, बिल्कुल धीरे धीरे भाई, गाजियाबाद इतना धीरे कर देगा। ये रही हमारी सरमजीवी एक्सप्रेस, जनरल डिब्बा, जनरल डिब्बा देख रही हूँ। Okay.
डिब्बे में पीछे वाले ये B5 इधर आ रहा है। तो गाइस मम्मी पापा उतर गए उतार दिए और अब यहाँ रिक्शा कर लिया हम लोग बाहर जाने के लिए। हाँ चल कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर नहीं भैया तो गाइस मम्मी पापा और रेखा रोशनी को तो बैठा दिए रिक्शा में और हम चलते हैं। तो गाइस अभी ना सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मम्मी थोड़ी थक गई थी और अभी मेट्रो स्टार्ट नहीं है, मेट्रो 6 बजे स्टार्ट होती है तो अभी 5:20 हो रहा है तो इसकी वजह से हम लोग यहीं बैठे हैं और धीरे धीरे वहाँ चलेंगे कि मम्मी चल तो पा नहीं रही है अभी यहाँ तक, तो रिक्शा से बैठा दिया था। तो कैसा रहता है AC वाली ट्रेन का सफ़र है ठंडी? तो गाइस फिलहाल हम लोग टैक्सी से आ चुके हैं और अपने गाड़ी पहुंच चुके हैं। टैक्सी तो कैसे बैठे हैं एडजस्ट करके सारे लोग बैठे पड़े नॉर्थ का नॉर्थ समझे आगे बैठे पीछे जगह। तो गाइस फिलहाल फाइनली रूम पे पहुंच गए और थके सारे लोग और मम्मी ऊपर चढ़ी आई है और पहले हाथ पैर धो लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं ठीक है। अरे बाप रे तो गाइस फाइनली अब अंदर रूम में आ गए, पैर हाथ धो लिए सब लोगों ने, रेखा बैठी है, मम्मी पापा और सब लोग बैठे हैं। उधर अंशु भी मिल गए यहाँ पे, वही एक अलग था वहाँ पे सारे लोग थे। तो गाइस फुल्ली फाइनली इस ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और ये ब्लॉग बिल्कुल ज़्यादा लंबी हो गई है, इसी वजह से इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे सभी लोग नेक्स्ट ब्लॉग में और उस ब्लॉग का भी इंतजार करना आप लोग, अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और अभी बहुत सारा काम होगा, बहुत आराम भी करना, बहुत थक गया है क्योंकि रात भर का जगह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम ठीक है।